Hello friends, welcome back to channel. So this is again in continuation with the spillover series. In this particular video, we are going to discuss about a scenario, tax excess paid under reverse charge mechanism in FY 17-18, right? So apne RCM mein agar 17-18 mein tax excess payment kar diya, to 18-19 mein kya karna hai? So 17-18 mein aapko payment karna tha, let's say 5 lakh rupaye. बट आपने गलती से 7 लाख पेमेंट कर दिया राइट आरसीएम के अंडर. सो जीएसटीआर 9 में 17-18 में टेबल 4 में आपने 7 लाख दिखाया होगा. सब्सिक्वेंटली आपके पार्ट 4 में टेबल 9 के पेबल में एंड पेड में दोनों जगह 7 लाख रुपए आ गया होगा, नो डिफरेंस. एंड पार्ट 5 में आपने टेबल 11 में 2 लाख रुपया दिखा दिया होगा कि भैया हमें इसको नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करना है. सिमिलरली 9C में आपने एक्चुअल लाइबिलिटी दिखाई होगी 5 लाख रुपए एंड आपके 9Q में भी ये 5 लाख आ रहा होगा एज डिस्कस की GST 9 पेबल प्लस 10 माइनस 11. तो प्लस 10 इज 0, माइनस 11 इज 2 लाख, तो 7 माइनस 2 लाख दैट कम्स टू 5 लाख रुपीज. सो आइडियली अगर आपको डिफरेंस नहीं आएगा बट वी कैन ऑलवेज मेंशन हियर दैट एक्सेस टैक्स पेड इन 17-18 एडजस्टेड इन 18-19. तो ये 17-18 में आपने किया होगा. अब क्या कर सकते हैं 18-19 में इन FY 18-19, क्योंकि आप एक्सेस टैक्स पे करके बैठे हैं 17-18 में, तो आप 18-19 में आइडियली कम टैक्स पे करोगे. सो 18-19 फाइनेंशियल ईयर में आपके GSTR 9 टेबल 4 में जो एक्चुअल फिगर है वही आएगा 18-19 का. उसके अकॉर्डिंग 9 के पेबल में जो एक्चुअल फिगर है वही आएगा, बट 9 के पेड फिगर में जो 3B से ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा, जो आप एडिट नहीं कर सकते, उसमें 2 लाख रुपए कम आ रहा होगा बिकॉज वो टैक्स आपने 17-18 में ऑलरेडी पे कर दिया है. तो यहाँ पर माइनस 2 लाख रुपए आ रहा होगा. एंड आप 9C में इसको खाली रिमार्क्स के दौर में डाल सकते हैं कि हमारा यहाँ पर 17-18 में टैक्स बेसी पेड था, इसलिए 18-19 में हमने टैक्स एडजस्ट कर दिया, राइट फ्रेंड्स. So in this particular video, we have only discussed the implication of tax excess paid under RCM in FY 17-18. I hope this video is useful to you. If it is, then please do like our video and subscribe our channel. Thank you, friends.